हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और फेस्टिवल्स के लिए रीसेलिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। आज का जो हॉल होगा वो रीसेलिंग का हॉल होगा, जिसमें मैं आपके साथ में कुर्तीज, कुर्ता से ड्रेस मटेरियल एंड साड़ीज शेयर करूंगी, जो कि खास करके फेस्टिवल्स के लिए है। दोस्तों, रीसेलिंग के प्रोडक्ट्स आप किस तरह से परचेज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो अगर आप नए हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो रीसेलिंग का जो भी वीडियो आप देख रहे हो आज के हॉल में, पहले के जो हॉल थे उनमें कुछ प्रोडक्ट बचे होंगे, कुछ सोल्ड हो गए हैं सारे ज्यादातर। तो आज के हॉल में जो भी रीसेलिंग के लिए मैंने सामान डाले हैं, उनमें से कोई भी कुर्ती या फिर कुछ भी आउटफिट अगर आपको पसंद आता है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड मुझे शेयर करना है, मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसका अमाउंट आपने पे करना है बाय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बैंक ट्रांसफर के थ्रू, एंड उसके बाद में वो प्रोडक्ट मैं आपके एड्रेस पे कुरियर करवा देती हूँ। साथ ही साथ कोई भी सीओडी सर्विस वगैरह कुछ नहीं है, ओनली आपने पहले पे करना है एंड देन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके एड्रेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इन सभी के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो कुर्ता मैंने डाला है रीसेलिंग में, ये एक बहुत ही सुंदर सा रेयॉन के फैब्रिक का कुर्ता आएगा, जिसमें आपको नेक पे एंड साइड्स पे थ्रेडवर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये थ्रेडवर्क किया हुआ है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स आएगी, इसमें भी आपको थ्रेडवर्क मिलेगा बॉर्डर पे, एंड कुर्ती का जो साइड का बॉर्डर रहेगा इसमें भी आपको थ्रेडवर्क एंड मिरर वर्क मिल जाएगा। पूरी कुर्ती पे आपको छोटी छोटी मोतियां बनाई हुई मिल जाएगी, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। इसका प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, ये वाली कुर्ती अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सभी कुछ मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा है रीसेलिंग में। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती रखी है, ये मैंने रखी है बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, सीक्वेंस वर्क में है ये, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको सीक्वेंस एंड थ्रेडवर्क मिल जाएगा, मरून कलर में आएगी ये कुर्ती, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स है और जॉर्जेट के फैब्रिक की कुर्ती है, अंदर में लाइनिंग दिया गया है इसका। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको ये सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, तो फेस्टिव सीजन के लिए काफी अच्छी कुर्ती अगर आप लेना चाहते हो। साइज रहेगा इन सबका ज्यादातर एक्सेल साइज रहेगा। वैसे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज को लेके। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये है एक रंगमाही ब्रांड की कुर्ती, जो कि कॉटन कुर्ती आएगी। तो ये जो कुर्ती है ये प्रिंट में रहेगी और बहुत ही प्यारा सुंदर सा प्रिंट है, फ्लोरल प्रिंट रहेगा इसमें। तो ये अनारकली कुर्ती आएगी कॉटन की, जो कि डेली यूज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहते हो घर पे पहनने के लिए तो काफी सही चीज है ये। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये एक मरून कलर की कुर्ती आएगी, बहुत ही सुंदर सी विथ जैकेट कुर्ती है ये। सो ये वाली जो कुर्ती है ये एक अनारकली कुर्ती रहेगी, एंड ये वाली जो कुर्ती है अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो ही आप इसे परचेस करें, शॉर्ट हाइट है आपकी तो आप इसको परचेस ना करें। सो यहाँ पे आपको ये स्लीवलेस कुर्ती मिलेगी, पूरे में आपको ये डॉट का प्रिंट मिल जाएगा, नीचे में भी आपको ये अनारकली पैटर्न में प्रिंट आएगा पीछे स्ट्रैप का, और इसके ऊपर आएगा इसका जैकेट, जो कि सेम नीचे जो बॉर्डर पे प्रिंट है उसी प्रिंट का ये जैकेट आपको मिलेगा। सो जैकेट की जो स्लीव्स है इसकी 3/4 स्लीव्स दिए गए हैं एंड बैलून स्लीव्स वाले पैटर्न दिया गया है, जो कि काफी सुंदर लगता है। यहाँ पे ये बॉर्डर दिया गया है तो काफी प्यारा ये जैकेट आएगा कुछ इस टाइप का, और बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद में। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल जाएगा, क्वालिटी काफी अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो कुर्ता है, अगेन अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो ही आप इसे परचेज करें, क्योंकि एक लॉन्ग कुर्ती आएगी। सो यहाँ पे ये जो है मरून कलर में कुर्ती आएगी, जिसमें बस्ट एरिया में तो आपको फॉइल वर्क एंड बटन की डिटेलिंग मिलेगी, एंड नीचे का जो एरिया रहेगा उसमें पूरे में आपको गोटा का काम मिल जाएगा। आप देख सकते हो पूरी कुर्ती में कुछ इस टाइप का गोटा का काम रहेगा। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको ये काम मिल जाएगा, 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है आप देख सकते हो। तो ये वाली कुर्ती भी एक्सेल साइज में है, अगर आपके साइज एक्सेल है एंड आपकी हाइट अच्छी खासी है, यानी कि 5.7, 6, 8 इस टाइप की अगर आपकी हाइट है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 5.5 से कम है तो आप इसको परचेज ना करें, क्योंकि ये काफी लॉन्ग कुर्ती है। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये है नी लेंथ की कुर्ती आएगी, तो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है या लॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हाइट वाले इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पिंक कलर की कुर्ती मिलेगी, जिसमें बहुत ही सुंदर सा थ्रेड का काम किया हुआ है नेक पे, और सिर्फ नेक पे काम मिलेगा, नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्रंट एंड बैक साइड कुछ इस टाइप का रहेगा, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स आएगा, स्लीव्स में भी कुछ नहीं है, सिर्फ नेक पे आपको हल्का सा थ्रेड वर्क मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। एक्सेल साइज में ये कुर्ती है और परफेक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको रखा है।
नेक्स्ट मैंने रखा है काफ्तान कुर्ता, जो कि कॉटन का फैब्रिक में है और बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे ये जो है वेव के पैटर्न में ये कुर्ता आएगा, इसमें कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा गोटा का काम आपको मिल जाएगा, और जो साइड रहेगा ना, जो काफ्तान का जो दोनों साइड होता है, वहाँ पे आपको गोटा का काम भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा ये कुर्ता है, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, आपको ये बहुत पसंद आएगा। कॉटन फैब्रिक का है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बहुत ही सही मिलती है आपको। नेक्स्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये जो कुर्ता एंड ट्राउजर का सेट है, ये इंडो एरा ब्रांड से है। एंड मैंने रिसेंटली एक अमेजोन का हॉल डाला था, उसमें मैंने शेयर किया था। तो ये वाला जो कुर्ता सेट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बहुत ही सुंदर एंड प्यारा कुर्ता का सेट है ये। तो यहाँ पे आपको बैक साइड में मिलेगा इलास्टिक, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहेगा ये ट्राउजर, और इसके साथ में जो इसका कुर्ता आएगा ये बहुत ही सुंदर कुर्ता है, अनारकली पैटर्न में कुर्ता आएगा। और यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगी, बलून स्लीव्स। यहाँ पे आपको बॉर्डर पे गोटा का काम मिलेगा, डोरी की डिटेलिंग मिलेगी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये जो साइज है इसमें वो एल साइज है, तो अगर आपकी साइज एल है तो ही आप इसे परचेज करें। बहुत ही सुंदर आउटफिट है, किसी भी फेस्टिवल में आप इसको आराम से पहन सकते हो, वो बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो ये वाला मैंने रखा है रीसेलिंग में, इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, बट ये वर्थ है, बहुत ही प्यारा सूट है ये। नेक्स्ट जो मैंने रखा है दोस्तों, ड्रेस मटेरियल रखा है मैंने, जैसे कि आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, करवा चौथ, नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा, दिवाली, तो उसके लिए मैंने रखा है ये ड्रेस मटेरियल। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या खुद के लिए परचेस करना चाहते हो तो आप ये ड्रेस मटेरियल ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जॉर्जेट के फैब्रिक में रेड कलर का ड्रेस मटेरियल मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको नेक पे आप देख सकते हो कितना सुंदर ये हैवी सा थ्रेड का वर्क है, एंड पूरे कुर्ते पे आपको जो है ये थ्रेड वर्क मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। नीचे में आपको थ्रेड वर्क का ये बॉर्डर मिलेगा, तो ये पूरी कुर्ती कुछ इस टाइप की बनेगी। इसको मैंने रखा है ओनली 400 रुपीज में, विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसके साथ में आता है इसका ये ट्राउजर एंड लाइनिंग का कपड़ा, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, साटिन का फैब्रिक दिया गया है ट्राउजर एंड लाइनिंग के लिए। साथ में आता है शिफॉन का ये वाला दुपट्टा, जिसमें थ्रेडवर्क आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेंथ अच्छी खासी दी गई है, 2 मीटर की लेंथ दी गई है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा ये सूट है, सो आपको काफ़ी पसंद आएगा। नेक्स्ट मैंने रखा है एक ड्रेस मटेरियल जो कि कॉटन का है, बेसिक एंड डेली यूज के लिए ये वाला ड्रेस मटेरियल, आप चाहो तो अपनी मदर इन लॉ के लिए या फिर मदर के लिए परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे ये प्रिंट में कपड़ा आएगा, तो जो कुर्ता का कपड़ा होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे ये फिरोजी कलर का कपड़ा होगा, एंड अगर आप डबल एक्सेल हो, मतलब थोड़े से हैवी वेट के हो, तब भी आप इससे अपना सूट आराम से बनवा सकते हो। तो काफ़ी कंफर्टेबल ये कॉटन का कुर्ता बन जाएगा आपका, और काफ़ी अच्छा खासा फैब्रिक दिया गया है, तो आराम से ये हो जाना चाहिए डबल एक्सेल को। इसके साथ में आता है इसका ये बहुत ही प्यारा सा ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन का कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा, जिसमें आपको थ्रेडवर्क मिल जाता है, ब्लू में ब्लू थ्रेड का वर्क एंड ग्रीन में ग्रीन थ्रेड का वर्क। तो यहाँ पे ये शिफॉन का दुपट्टा रहेगा कुछ इस टाइप का, 2 मीटर के लेंथ का, और इसका जो ट्राउजर का फैब्रिक आएगा वो आएगा कुछ इस टाइप का मेहंदी कलर का। सो ये कॉटन का फैब्रिक रहेगा, क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है। इसको मैंने रखा है 350 रुपीज़ में, विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस फॉर दिस ड्रेस। अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली, जो मैंने ड्रेस मटेरियल रखा है ये बहुत ही प्यारा सा बोतल ग्रीन एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में है, अगेन ये कॉटन का ड्रेस मटेरियल आएगा, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बंधेज का प्रिंट, और ये ग्रीन कलर में आएगा, कॉटन का ड्रेस फैब्रिक रहेगा ये। सो ये बहुत ही प्यारा सा बांधनी का कुर्ता का फैब्रिक है, और कुछ इस टाइप का ग्रीन कलर में आएगा, बहुत ही सुंदर एंड सिंपल सा प्रिंट आएगा इसमें। और बैक साइड में जो है कपड़ा जो रहेगा बैक साइड से, वो बिल्कुल प्लेन रहेगा कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हो। और इसमें ये जो है कुर्ती बांधनी की रहेगी, एंड पूरा जो पीछे का जो फैब्रिक रहेगा वो पूरा प्लेन आएगा, साथ ही साथ स्लीव्स का भी फैब्रिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका नेक बन जाएगा कुछ इस टाइप का, एंड ये कपड़ा बच जाएगा जिससे आप अपनी स्लीव्स वगैरह बनवा सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो आप कोई डिज़ाइन वगैरह के लिए। इसके साथ में आता है इसका ये कॉटन का व्हाइट कलर का ट्राउजर का फैब्रिक, जो कि कॉटन का रहेगा, और नेट का इसके साथ में दिया गया है दुपट्टा, जिसमें थ्रेडवर्क आपको मिल जाएगा ग्रीन एंड व्हाइट कलर का। सो यहाँ पे नेट का दुपट्टा मिलेगा आपको। सो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सिंपल सोबर ड्रेस मटेरियल है, गिफ्टिंग वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, खुद के लिए भी आप परचेज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मैं आज के हॉल में साड़ी भी शेयर करूंगी रीसेलिंग के लिए, तो सबसे पहली जो साड़ी है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साड़ी है, बट ये वर्थ है, बहुत ही सुंदर सी सिल्क की साड़ी आएगी, और ये कुछ इस टाइप की पिंकी एंड पीची कलर में ये साड़ी रहेगी। इसका कलर एंड इसका फैब्रिक ही ऐसा है, तो ये बहुत ही सुंदर सी सिल्क की साड़ी आएगी,
और अगर आप इसको परचेज करोगे तो मैं इसको पूरा ओपन करके आपको पिक्चर भेज दूंगी। अभी अगर इसको मैं पूरा ओपन करूंगी तो ये पूरी साड़ी को फिर से ड्रेप करना एंड बहुत सारा मतलब वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको पूरा ओपन नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका आंचल रहेगा कुछ इस टाइप का, तो पूरी सो साड़ी है कुछ इस टाइप की। और ये जो है किसी भी फेस्टिवल ओकेजन फंक्शन वगैरह के लिए बहुत ही सुंदर एंड प्यारी साड़ी है, कंफर्टेबल है, ड्रेप करने में इजी है। तो अगर आप लेना चाहते हो कुछ अच्छा सा साड़ी तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो साड़ी है मैंने रखी है एक बांधनी की सिंपल सी गोटे के साथ में काम की साड़ी। सो ये पूरी बंधेज की साड़ी आएगी जिसमें आपको ये गोटा का बॉर्डर मिल जाएगा, वेलवेट पे गोटा का बॉर्डर आपको मिलेगा। तो पूरी साड़ी कुछ इस टाइप की रहेगी। और ये जो साड़ी है ये जॉर्जेट के फैब्रिक में आएगी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेटेड फैब्रिक है। सो अगर आपको बांधनी में कुछ चाहिए तो आप ये ले सकते हो, और अगर आपको लेना हो तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट जो साड़ी मैंने रखी है ये मैंने रखी है सिल्क की साड़ी, और ये भी जो है येलो कलर में आएगी जिसमें कुछ इस टाइप के ग्रे कलर के ये स्ट्रैप्स बनाए हुए हैं पूरी साड़ी में लेडिया के पैटर्न के, एंड आपको बॉर्डर मिलेगा गोटा का। पूरे साड़ी में आपको गोटा का ये बॉर्डर मिल जाएगा, रेड एंड गोल्डन का, एंड साथ में ये हैवी गोटा का बॉर्डर मिल जाएगा। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, अगर आप में से किसी को इस टाइप की साड़ी लेनी हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। ये वाली साड़ी मैंने रखी है रीसेलिंग में, और अगर आप लोगे तो मैं इसका ओपन करके ब्लाउज का फैब्रिक एंड एवरीथिंग मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी इसको मैं अगर ओपन करूंगी तो फिर से मैं इसको समेटूंगी तो उसमें क्रीज काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी साड़ी में, तो साड़ी भी ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको अभी ओपन नहीं कर रही। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।